Hello students, in this lecture we will prove an important theorem based on components in a graph. The theorem states that a simple graph with n vertices and k components can have at most half n minus k plus 1 edges. थ्योरम ये स्टेट करती है कि सिंपल ग्राफ है अगर हमारे पास कोई जिसमें n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और कंपोनेंट्स जो हैं वो k कंपोनेंट्स हैं और सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड k कंपोनेंट्स कैन हैव उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो पॉसिबल कितनी है हाफ n माइनस के प्लस 1 ये हमें प्रूव करना है. तो ग्राफ कैसा गिवन है सिंपल ग्राफ है उसमें वर्टिसेस नंबर ऑफ वर्टिसेस n है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो n है वो डिवाइडेड है अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे k कंपोनेंट्स हैं. कंपोनेंट क्या होता है मैक्सिमल कनेक्टेड ग्राफ मतलब जो ग्राफ हमारे पास है वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें k कंपोनेंट्स हैं. अब हमें शो ये करना है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस उस ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितना होगा हाफ n माइनस के प्लस 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होगा. तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लेट कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ith कंपोनेंट लेट द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ith कंपोनेंट बी एन आई. मान लिया कि ith कंपोनेंट में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं एन आई है ith कंपोनेंट में नंबर ऑफ वर्टिसेस कंपोनेंट कितने हमारे पास के फर्स्ट कंपोनेंट में एन वन है सेकेंड में एन टू है ठीक है. यहाँ पे आई जो है वो वेरी कर जाएगा 1 से लेकर k तक ठीक है. फर्स्ट में n1 सेकंड में n2 थर्ड में n3 इसी तरीके से kth कंपोनेंट में nk नंबर ऑफ वर्टिसेस है. देन तो हम लिख सकते हैं देन अगर मैं सम करूं इनका i बराबर 1 टू k ni तो इसका मतलब ये हुआ n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस अप टू nk. इसका मतलब क्या हुआ ये नंबर ऑफ वर्टिसेस इन फर्स्ट कंपोनेंट नंबर ऑफ वर्टिसेस इन सेकंड कंपोनेंट नंबर ऑफ वर्टिसेस इन थर्ड कंपोनेंट नंबर ऑफ वर्टिसेस इन kth कंपोनेंट ये नंबर ऑफ वर्टिसेस का सम कर रहा हूं मैं सारे नंबर ऑफ वर्टिसेस सारे कंपोनेंट्स के अलग अलग कंपोनेंट्स जितने भी हैं उन सबके नंबर ऑफ वर्टिसेस का सम कर दिया. तो ये सम बराबर होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस के और टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है 3 है तो ये सॉरी n है सो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस तो ये किसके बराबर हो जाएगा n ये हमें गिवन है n टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस है. दिस इंप्लाइज हम इसे ऐसे लिख सकते हैं i बराबर 1 टू k ni इज इक्वल्स टू n इसकी वैल्यू n हो जाएगी इसे डाल देंगे इक्वेशन 1 इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे. नाउ आगे क्या करेंगे हम अगर मैं i बराबर 1 टू k ni माइनस 1 ये सम लूंगा तो ये सम किसके इक्वल होगा देखिए ni पे ये सम अलग ऑपरेट हो जाएगा i बराबर 1 टू k ni माइनस ये सम 1 पे अलग ऑपरेट हो जाएगा i पे अलग ni पे अलग ऑपरेट हो गया 1 पे अलग ऑपरेट हो गया. अब ये ni वाला जो सम है n1 n2 n3 nk इसके लिए n है इक्वेशन 1 से इसको n रख देंगे माइनस इस सम के अकॉर्डिंग 1 को हमें ऐड करना है कितने बार k टाइम्स अप टू k टाइम्स 1 को ऐड करना है तो 1 को k टाइम्स ऐड करेंगे इट मींस k के बराबर आ जाएगा. तो यहां से हम ये कह सकते हैं ये सम जो है i बराबर 1 टू k ni माइनस 1 ये सम जो है बराबर हो जाएगा n माइनस k के इसे डाल देंगे इक्वेशन 2. अब इस इक्वेशन 2 का यूज करेंगे इस इक्वेशन 2 में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन टू वी गेट दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली हमने तो हमें क्या मिलेगा जब स्क्वायरिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आई बराबर 1 टू के एन आई माइनस 1 इसका स्क्वायर करना है इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे एन माइनस के का स्क्वायर ठीक. तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर ये है राइट हैंड साइड पे स्क्वायर ये है राइट हैंड साइड का जो स्क्वायर है वो इजिली ओपन कर सकते हैं एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 एन के राइट हैंड साइड का स्क्वायर तो इजिली ओपन हो गया. लेफ्ट हैंड साइड का जो स्क्वायर है एन आई माइनस 1 का होल स्क्वायर इस लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर को हम ऑब्जर्व करेंगे देखिए कैसे ओपन होगा. अगर मैं इसका सम की फॉर्म में लिखूं इस सम को ओपन करके लिखूं तो ये क्या हो जाएगा देखिए आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा
प्लस आई के लिए टू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा एन टू माइनस वन प्लस अब टू ये चलेगा एन के माइनस वन और इस पूरे का मुझे क्या करना है स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करना है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू के इसका स्क्वायर करना है मुझे तो इसके स्क्वायर कैसे ओपन होगा सारे स्क्वायर वाले टर्म आएंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अप टू इसका स्क्वायर तो फर्स्ट टर्म एन वन माइनस वन का स्क्वायर सेकेंड टर्म एन टू माइनस वन का स्क्वायर अप टू एन के माइनस वन का होल स्क्वायर ये वाले स्क्वायर वाले टर्म्स आएंगे प्लस टू ए बी टू के मल्टीपल्स वाले टर्म्स आएंगे टू ए बी टू बी सी टू सी डी तो टू ए इंटू दिस टू एन वन माइनस वन इंटू एन टू माइनस वन ये एक टर्म आ जाएगा टू एन वन माइनस वन इंटू एन थ्री माइनस वन ये एक टर्म आ जाएगा इस तरीके के टर्म्स आ जाएंगे टू के मल्टीपल्स के फॉर्म में तो इसका स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ये जो सम आएगा ये स्क्वायर वाले जो टर्म्स हैं इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं आई बराबर वन टू के एन आई माइनस वन का होल स्क्वायर मैंने क्या करा स्क्वायर जो बाहर था वो अंदर आ गया अभी यहाँ पे एन यहाँ पे आई के वैल्यू रखेंगे तो एन वन माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया है आई के वैल्यू टू रखेंगे तो एन टू माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया है ठीक है प्लस टू इंटू समेशन आई बराबर वन टू के एन आई माइनस वन एन जे माइनस वन जे बराबर वन टू के इस टाइप के सम आ जाएगा हमारे पास ठीक है ये क्योंकि सम पॉजिटिव होगा एन आई माइनस वन एन जे माइनस वन ये पॉजिटिव होंगे इसलिए इस सम को हम ओमिट कर देंगे जब इसको ओमिट कर देंगे तो केवल ये वाला टर्म हम ले लेंगे ठीक है पहले इसे इस फॉर्म में लिख के दिखाएंगे फिर इस टर्म्स इन टर्म्स को ओमिट कर देंगे इन टर्म्स को जब छोड़ देंगे तो ये जो साइड जिस साइड में ये होगा वो साइड छोटी हो जाएगी दूसरी साइड बड़ी हो जाएगी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज आई बराबर वन टू के एन आई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू समेशन आई बराबर वन टू के समेशन जे बराबर वन टू के एन आई माइनस वन एन जे माइनस वन इसमें एक कंडीशन और होगी आई जे इक्वल नहीं होगा आई जे इक्वल जब हो जाएगा तो वो वाले टर्म्स इसमें इंक्लूडेड है इज इक्वल टू ये इक्वल होगा एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एन के ठीक है इसे रेस कर सकते हैं राइट हैंड साइड से ये इक्वल हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एन के एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एन के ठीक तो इस इन टर्म्स को हम ओमिट कर देंगे क्योंकि एन आई माइनस वन और एन जे माइनस वन ये हमेशा पॉजिटिव होंगे या जीरो होंगे ठीक है नंबर ऑफ वर्टिसेस कम से कम कंपोनेंट पे एक तो होगा ही होगा तो यहां से इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे आई बराबर वन टू के एन आई माइनस एन आई का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन आई होल स्क्वायर ओपन कर लिया इज लेस देन इक्वल्स टू इस टर्म को ओमिट कर दिया इसको छोड़ दिया तो इधर की साइड जब ये एड हुआ था इसमें तो इसकी इक्वल थी जब इसको हटा दिया कोई प्लस पॉजिटिव टर्म हटाया इसमें से ये साइड छोटी रह जाएगी ये साइड बड़ी हो जाएगी इज लेस देन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एन के इसके इक्वल हो जाएगा यहां से हम आई बराबर वन टू के एन आई स्क्वायर प्लस सबको अलग अलग कर लेंगे आई बराबर वन टू के वन माइनस टू आई बराबर वन टू के एन आई और ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एन के ठीक है ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा यहां से आई बराबर वन टू के एन आई स्क्वायर इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी देखिए राइट हैंड साइड पे क्या था एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एन के ठीक है राइट साइड में और क्या पहुंचेगा देखिए यहाँ पे आई बराबर वन टू के बन जाएगा के बन जाएगा पॉजिटिव और साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा इसी तरीके से आई बराबर वन टू के एन आई इसका इक्वेशन वन से ये सब एन के इक्वल होगा तो माइनस का टू एन इधर आएगा तो प्लस का टू एन हो जाएगा तो इसे ऐसे लिख सकते हैं समेशन को आई बराबर वन टू के एन आई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू एन स्क्वायर यहाँ पे हमने क्या करा इसमें माइनस के कॉमन ले लेंगे तो माइनस का के कॉमन लेंगे तो बचेगा टू एन माइनस के यहाँ पे माइनस वन कॉमन लेंगे तो बचेगा टू एन माइनस के सॉरी प्लस वन कॉमन लेंगे तो बचेगा टू एन माइनस के तो इसी इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस के एंड वन माइनस के ये जो है यहां पे
प्लस का साइन आएगा और अगर हम इसे निगेटिव चाहते हैं तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस के और के माइनस वन, इस फॉर्म में आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, इसे मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, आई बराबर वन टू के एन आई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस के इन टू के माइनस वन, इसे डाल देंगे इक्वेशन थ्री, इस इक्वेशन थ्री को यूज करेंगे। अब हमें ये पता है कि सिंपल ग्राफ में जिसमें n वर्टिसेस हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी होती है, n n माइनस वन बाय टू। वी नो दैट अ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टिसेस हैज n n माइनस वन बाय टू has at most n n minus 1 by 2 edges. Thus, ith component कोई भी अगर हम observe करेंगे तो जो ith component होगा वो भी एक simple graph होगा। जब graph पूरा simple है तो वो ith component वाला जो graph होगा वो भी simple होगा। Thus, ith component also has at most n i minus 1 by 2 edges. ith component में इतनी edges हैं तो total number of edges कितनी हो जाएगी ग्राफ में? 10. Total number of edges ith में इतनी हैं तो ith वाले जो जितनी edges हैं हम सबको सम कर देंगे up to 1 to k. 1 to k सम कर देंगे तो i बराबर 1 to k. Total number of edges इक्वल्स टू i बराबर 1 to k n i minus 1 by 2. इस फॉर्म में आ जाएंगे ये total number of edges, और total number of edges इसके इक्वल है। हम क्या करेंगे, एन आई इसे ओपन कर लेंगे, हाफ बार आ जाएगा, आई बराबर वन टू के बन जाएगा एन आई स्क्वायर माइनस एन आई, एन आई स्क्वायर माइनस एन आई, तो ये बन जाएगा हाफ समेशन आई बराबर वन टू के एन आई स्क्वायर माइनस आई बराबर वन टू के एन आई, ये बन जाएगा हाफ। इसकी वैल्यू एन आई स्क्वायर जो है लेस है किससे, इससे लेस है, इसकी वैल्यू इससे बड़ी इसमें पुट कर देंगे, इससे लेस देन या इक्वल टू हो जाएगा। फिर ये लेस देन इक्वल टू हाफ, ये कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस के के माइनस वन, ये तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस के माइनस वन, और आई बराबर वन टू के एन आई, ये फिर बन जाएगा एन। इसको ओपन करेंगे ये इसके बराबर होगा हाफ एन स्क्वायर माइनस, इसे ओपन कर लेंगे टू एन के प्लस टू एन माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस के माइनस एन, ये इक्वल हो जाएगा हाफ, इसे सॉल्व करेंगे एन स्क्वायर माइनस टू एन के प्लस टू एन में से एन गया प्लस एन प्लस के स्क्वायर माइनस के, इसे लिख सकते हैं हाफ ये एन स्क्वायर माइनस टू एन के प्लस के स्क्वायर, ये बन जाएगा हाफ एन माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस के, और यहां पे एन माइनस के जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हाफ एन माइनस के प्लस वन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है सिंपल ग्राफ में जिसमें के एन वर्टिसेस हैं के कंपोनेंट्स हैं वो कितना हो गया, ये इतनी एजेस थी, ये लेस देन इक्वल टू दिस, तो इट मींस दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, इसके इक्वल हो सकती है या इससे कम होंगी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हमें यही प्रूव करना था कि हाफ एन माइनस के प्लस वन होंगी। थैंक यू।